मैं हिमांशु सर आज अपने इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका वो प्रेजेंट इनफिनिट टेंस भी कहते हैं, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके यूज के बारे में बताएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का पहला रूप, या मेन वर्ब का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका एफर्मेटिव का सब्जेक्ट स्ट्रक्चर ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, V1 या V5 मतलब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, और निगेटिव में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। ठीक है, यहाँ पे ES लग गया है तो यहाँ पे नहीं लगेगा, वर्ब का पहला रूप आएगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, ठीक है, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। एफर्मेटिव में सब्जेक्ट V1 या V5 ऑब्जेक्ट, निगेटिव में सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट V1 ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्वेश्चन वर्ड डू या डज प्लस ऑब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। ठीक है, तो इसका पहला यूज है आप लोगों को पढ़ना। ठीक है, तो इसका पहला यूज है आप लोगों को, पहला यूज हम लिखे हुए हैं। ठीक है, इसका पहला यूज है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रेगुलर और रिपीटेड एक्शन। मतलब जो हैबिचुअल हो, जिसकी आदत हो, जो रेगुलर हो और रिपीटेड एक्शन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे मोहन गोज टू बेड एट 10 PM, जैसे मोहन गोज टू बेड एट टेन पी एम। इसका मतलब क्या होगा कि मोहन 10 बजे रात में 10 PM में सोने के लिए बेड पे जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये रेगुलर एक्शन है, मतलब डेली वो ऐसा करता है कि 10 बजे सोता है। ठीक है, डेली वो 10 बजे सोता है। ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे। वह संडे को यहाँ पे आता है, तो ये रेगुलर हैबिचुअल है ना, ये रेगुलर एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है। ही ऑलवेज कम्स ऑन संडे। She reads a newspaper every morning. ठीक है, She reads a newspaper every morning. ठीक है, तो ये हम लोग को क्लियर हो गया ना कि वह 10 बजे जाता है बेड पे। प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होगा, हैबिचुअल रेगुलर हैबिट है ना ये, तो रेगुलर हैबिट रिपीटेड एक्शन को व्यक्त करने के लिए वह सुबह में, प्रत्येक सुबह वह न्यूज़पेपर पढ़ती है। ही कम्स, ही ऑलवेज कम्स हियर, वह हमेशा यहाँ पे संडे के दिन आता है। ठीक है, अगला जिसे वी, ये भी हो सकता है, वी वर्क 8 आवर ए डे, मतलब दिन में हम लोग, एक दिन में हम लोग 8 घंटा काम करते हैं। वी वर्क 8 आवर ए डे। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है किसके लिए, हैबिचुअल के लिए, रेगुलर हैबिट के लिए। ठीक है, ठीक है, तो अगला है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इन्फिनिट की बात हो रही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, ठीक है, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, जो बात सत्य हो, प्रिंसिपल सिद्धांत को बताने के लिए, और परमानेंट एक्टिविटी को बताने के लिए, और परमानेंट एक्टिविटी को बताने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट। जैसे मैं बोलूँ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, सूरज पूरब में उगता है, ईस्ट। द
द सन राइजेस इन द ईस्ट, सही बात है। टू एंड टू मेक्स फोर, ये क्या है? टू एंड टू मेक्स फोर, दो और दो चार होता है। तो ये आप लोग का क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। जैसे मैं बोलूं मैन इज मोर्टल, जैसे मैं बोलूं मैन इज मोर्टल, मनुष्य मरणशील प्राणी है, मनुष्य मरणशील है, ठीक है। तो ये भी आप लोग का ये है। अब जैसे सिद्धांत की बात हो रही है ना, प्रिंसिपल का, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे मैं बोलूं वाटर बॉयल्स कितने पे होता है, आप लोग को भी पता होगा। जैसे मैं बोलूं वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगला है, तीसरा इसका यूज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस पोजेशन, अधिकार को व्यक्त करने के लिए। जैसे दिस पेन बिलोंग्स टू मी, यह पेन मेरा, मेरे से बिलोंग करता है, यानी कि यह पेन मेरा है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। ही ओन्स ए बिग बिल्डिंग, उसके पास अपना एक बड़ा बिल्डिंग है, ठीक है। ये इसका तीसरा यूज है, मतलब कि दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस पोजेशन, पोजेशन के लिए, अधिकार के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगला इसका यूज है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस मेंटल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी को व्यक्त करने के लिए। इमोशंस, अपने इमोशन को व्यक्त करने के लिए। फीलिंग्स, अपना जो फीलिंग्स है उसको व्यक्त करने के लिए। जैसे हम बोले वी बिलीव इन गॉड, हम लोग भगवान में विश्वास रखते हैं। ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, वह मेरी समस्या को समझता है, मतलब ये हम अपना इमोशन बता रहे हैं, अपना फीलिंग्स बता रहे हैं, मेंटल एक्टिविटी जो है उसको हम बता रहे हैं कि वह मेरी समस्या को समझता है। अगला है सी ट्रस्ट इन हिम, मतलब वह उसमें विश्वास कर रखती है, मतलब उसको उस पर विश्वास है, ठीक है, ट्रस्ट, उस पर विश्वास रखती है। जैसे मैं बोलूँ आई कंसिडर डेट ही इज ए गुड सिंगर, ठीक है, मैं ये कंसीडर करता हूँ कि वह एक अच्छा सिंगर है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल पर सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस मेंटल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी को व्यक्त करने के लिए, इमोशन को और फीलिंग को व्यक्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पांचवा यूज है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस फिक्स्ड प्रोग्राम और फिक्स्ड प्लान ऑफ फ्यूचर टाइम, मतलब फ्यूचर टाइम के फिक्स्ड प्रोग्राम या फिक्स्ड प्रोग्राम या फिक्स्ड प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे द कॉलेज रीओपन्स इन जनवरी, जो कॉलेज है वो जनवरी में दोबारा खुलेगा, ठीक है। ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने चेन्नई जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, वो यहाँ कल प्रधानमंत्री आने वाले हैं, ठीक है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस फिक्स्ड प्रोग्राम और फिक्स्ड प्लान ऑफ फ्यूचर टाइम, मतलब फ्यूचर टाइम में होने वाले फिक्स्ड प्लान और फिक्स्ड प्रोग्राम के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है द कॉलेज रीओपन्स इन जनवरी, ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, ठीक है। तो इसका जो अगला यूज है, छठा यूज है, कंडीशनल सेंटेंस में। कंडीशनल सेंटेंस में इसका यूज होता है, जैसे इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, यदि तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस जीत जाओगे। आई शैल टीच हर इफ शी कम्स, यदि वो आती है तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गया, ये आपका मेन क्लॉज हो गया, मेन क्लॉज या पीसी भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। इसमें ये पीसी हुआ, ये आपका सबॉर्डिनेट क्लॉज। तो सबॉर्डिनेट क्लॉज इंडिफिनिट में बनता है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक यूज ये भी है कि कंडीशनल सेंटेंस में सबॉर्डिनेट क्लॉज को हम लोग सबॉर्डिनेट क्लॉज को बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला इसका जो सातवां यूज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड इन द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज स्टार्टिंग विद हियर एंड देयर। हियर और देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ हियर कॉम्स द बस, ये लो बस आ गई,
देयर गोज द बस, ये लो ये वो देखो बस चली गई, हियर कम्स द बस, ये देखो बस आ गई, वो देखो वो चला गया। तो इसमें इसका यूज किया जाता है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्टार्टेड स्टार्टिंग विथ हियर एंड देयर, सब में नहीं, जो हियर और देयर से स्टार्ट होगा उसी में इसका यूज किया जाता है। हियर और देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल बता भी दिए, ठीक है। तो अगला इसका आठवां जो नियम है, दूसरे के कथन को बताने के लिए, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अनदर्स स्टेटमेंट, दूसरे के स्टेटमेंट को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्या है, आठवां जो नियम है, दूसरे के स्टेटमेंट को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है, किसी दूसरे के स्टेटमेंट को। जैसे मैं बोलूं कि शेक्सपियर सेज डैट सेज द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ, या किड्स सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर। जैसे किड्स ने बोला है, जॉन किड्स ने कहा है, कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर, मतलब जॉन किड्स का ये कथन है। तो किसी दूसरे के कथन को व्यक्त करने के लिए, किसी दूसरे के कथन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। और अगला है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस इवेंट और हिस्टोरिकल इवेंट, मतलब ऐतिहासिक, जैसे इतिहास की कोई भी घटना को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। इतिहास में घटित हुई घटना को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि इन रामायण एट लास्ट राम किल्स रावण, राम ने रावण को मारा, तो ये पास्ट टेंस में है, राम ने रावण मार चुके हैं बहुत दिन पहले ही, बट इतिहास का ये बात है, तो इतिहास के बात को बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये आप लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस का पूरा यूज था, ठीक इसी तरह हम पूरे टेंस का आपको लेकर आएंगे, ठीक है। एंड थैंक यू।